हे दी पोकेमोन ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोकेमोन गेमर हिंदी, जहां पे आज मैं पोकेमोन ग्लेस के अंदर एक मिथिकल पोकेमोन को पकड़ने वाला हूं एंड आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग उसको कैसे पकड़ सकते हो एंड उसकी लोकेशन क्या है। तो बने रहो मेरे साथ वीडियो के अंदर एंड वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। लाइक ही नहीं रखूँगा, आप लोग से जितना होता है उतना कर दो यार। तो बात करते हैं किसको पकड़ने वाला आज में। तो आज मैं पकड़ने वाला हूँ सेमिन को। तो सेमिन एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट पोकेमोन है एंड बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं भी पता होगा, बट सेमिन इतना पॉपुलर नहीं है। बट कोई नहीं, सेमिन एक अच्छा पोकेमोन है, क्यूट पोकेमोन है, मेरे को तो पर्सनली एक अच्छा पोकेमोन लगता है, देखने में भी उसकी लुक एकदम अच्छी है। तो वेल, सेमिन को पकड़ने के लिए आपको पोकेमोन ग्लेस में जो पहला रीजन है टूनार्ड, उसका चैम्पियन बनना पड़ेगा। एंड अगर आप चैम्पियन नहीं बनते हो तो आपको कम से कम सात, या आपको कम से कम प्लम ट्री रिसोर्ट के अंदर तो आना ही पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लाई करके चलता हूँ फटाफट, फिर आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ तक आना है। कम से कम आपको इस वाले टाउन के अंदर विजिट तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप यहाँ पे विजिट नहीं करते हो तब तक आप नहीं पकड़ पाओगे सेमिन को। एंड अगर आप लोग सेमिन को पकड़ना चाहते हो एंड उसकी लोकेशन जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, आपको फ्लाई करके चलना है पहले तो साउथ वाली सिटी में। एकदम मेरे को डिट्टो उसकी लोकेशन याद हो गई है एंड उसको पकड़ने के लिए क्या क्या करना है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको आना है साउथ वाली सिटी में, बट उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको कम से कम प्लम ट्री रिसोर्ट के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। एंड अगर आपको जाना है तो मैंने पोकेमोन ग्लेस के सारे गेम प्ले अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो जाके आप चेक कर लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप लोग जाके चेक कर लो कि प्लम ट्री रिसोर्ट के अंदर जाने के लिए आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना है, वो सब मैंने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अपलोड करके एक एक स्टेप आपको बताया है। तो जाओ और चेकआउट कर लो एंड प्लम ट्री के अंदर चले जाओ, फिर उसके बाद अभी देख लेना यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप लोग गेम को पूरा खेले हो तो आपको मालूम होगा। वेल, तो आपको मेरे साथ साथ चलना है एंड यहाँ पे भी एक घर आएगा, ये देख लो, ये घर आ गया है। अगर आप ये गेम खेलो तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि पहले यहाँ पे ब्लेक रहता है एंड यहाँ ब्लेक हमें लेके जाता है शायद से टीम फ्यूजन के पास एंड हमें उनसे बैटल करना पड़ता है। वेल, तो हमें वहाँ तक तो उनको हराना ही तो पड़ेगा। आपको प्लम ट्री के अंदर कम से कम एंटर तो होना ही पड़ेगा अगर आप सेमिन को पकड़ना चाहते हो। तो फिर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप करने को बोलेगा, राइट लिखने को बोलेगा। तो आप यहाँ पे आपको लिखना है थैंक, थैंक, फिर एक स्पेस देना है, यहाँ पे ब्लैंक जगह पे आ जाओ, फिर ए बटन दबा दो, अपने आप स्पेस लग जाएगा। फिर यहाँ पे यू टाइप करना है, वाई ओ यू। फिर आपको देखो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लोअर दिख रहा होगा, देख लो, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, फिर एक बार क्लिक करना है, फिर आपके सामने नंबर्स एंड कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सब आ जाएगा। तो आपको सबसे नीचे वाला चूज़ करना है जो डॉट डॉट है उसको, फिर आपको ओके कर देना है एंड अब देखना यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक टाइप होगा। तो एक क्लियरिंग अपीयर्ड इन द ब्रश, तो यहाँ पे एक नई जगह खुल चुका है, देख लो यहाँ पे एक नया जगह खुल चुका है, ये देख लो सेमिन, अब वो छुप रहा है हमसे, यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा उसे। ग्रासेस के अंदर वो छोटा है ना, पोकेमोन छोटा है, इसके लिए ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये देख लो यहाँ पे इस साइड भागते भागते आया है, हाँ देख लो यहाँ पे आया है, ये देख लो सेमिन। गुड डैम, यू फाउंड मी, डिड यू एंजॉय माई लिटिल पजल, व्हाट डू यू मीन, इट्स अ बैलेंट रिप ऑफ ऑफ म्यू, वेल टेक्निकली इट इज म्यूज, आई एम जस्ट बोरोइंग इट, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड अराउंड हियर एंड आई डू एंजॉय ग्रेटिट्यूड, सो आई डिड हियर यू से यू वेरेंट गोइंग टू कैच मी, ओ डैम, नहीं हम इसे पकड़ेंगे। तो वेल, मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मास्टर बॉल चाहिए तो उसका भी चीट कोड आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा एंड प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग यार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बहुत सारी कमाल धमाल लिंक्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक नहीं करते तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यार एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना, देख ले, देखो अभी मैंने मास्टर बॉल फेंका है तो मेरे पास वहाँ पे कुछ 91-90 मास्टर बॉल ऐसे थे, तो इतने सारे मास्टर बॉल बिना चीट कोड यूज़ किए आपको नहीं मिलने वाले हैं, कितना भी आप ट्राई कर लो, अगर आप चीट कोड यूज़ करते हो तो ही मिलेंगे आपको। तो चीट कोड आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा एंड रेयर करने का भी मिल जाएगा यार, तो जाके चेकआउट कर लो यार, एकदम फ्री में मिल रहा है तो चेकआउट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 5 मिनट लगेंगे बस, शायद मैं कुछ कम बोल गया, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट पकड़ लो। तो वेल, तो मैंने यहाँ पे सेमिन को पकड़ लिया एंड पकड़ के आप लोग को दिखा भी दिया है, तो आई थिंक सो कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड सेमिन को कैसे पकड़ना है एंड कहाँ पकड़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मेरे को
अभी मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वैसे तो सेमिन को पकड़ना ही हमारा आज की वीडियो का एम था, तो हमने अपने एम को कंप्लीट कर लिया है। तो वेल, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एंड रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट, एंड चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना। एंड जाने से पहले बाय बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।